अशोकनगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ के अमर्यादित बयान को निंदनीय और शर्मनाक बताया और कमलनाथ पर मायावती के बयान की तारीफ की। साथ ही कहा कि कमलनाथ दंभ और गुरूर में आ चुके हैं, अपने बयान पर गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी की आपत्ति पर भी कमलनाथ माफी मांगने से मना कर रहे हैं। पूरा प्रदेश अब कांग्रेस हाईकमान से कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इमरती देवी ने भी चुनाव आयोग, महिला आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को शिकायत भेजी है। कमलनाथ को इस मामले में नोटिस आ चुके हैं। आज जो मुझे आपको बताने में इस बात के लिए गर्व है, मैं इस देश की दलित महिला नेत्री मायावती ने जो कहा है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक दलित बेटी का उन्हें सम्मान करने के लिए ये कहा कल अपने बयान के अंदर, और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर दलित बेटी का अपमान हुआ है, चाहे वो किसी भी दल की हो, लेकिन कांग्रेस को मध्य प्रदेश से, मैं दलित समाज से आह्वान करती हूँ, उठाड़ करके फेंक देना चाहिए। कि मायावती जी ने कहा, पूछना चाहता हूँ क्या ऐसे लोगों पर, कमलनाथ पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये जनता मांग कर रही है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, कि ऐसा नेतृत्व आपका जो उल जलूल और इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रहा है, आप उस पर कार्रवाई करके, ये मध्य प्रदेश की नहीं, देश की नारी शक्ति, देश की जनता ये चाहती है, उसके खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस करे। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष है, प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी नेता है, आपके बयान को भी इतना इरोगेंट आदमी, इतना इस प्रकार का दंभ और क्रूर वाला आदमी है जिसने राहुल गांधी के भी बयान को कह दिया कि उनका अपना विचार है, मैं भी नहीं मानता। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आपको क्या कमलनाथ के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए?